हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं पर्यावरण का एक नया चैप्टर लेकर हम प्रस्तुत हैं और जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी एक प्लेनेट है, ग्रह है, और इसकी उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रचलित है, उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी की जो संरचना है वो आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना दो भागों में डिवाइड है। तो इसकी संरचना को हम पढ़ेंगे, इसके पहले पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। सौर परिवार का अर्थ क्या होता है? ग्रह और सूर्य। सूर्य एक तारा होता है और हमारा जो सौर परिवार है उसमें 8 ग्रह है और उनके विभिन्न उपग्रह भी हैं और एक सूर्य है हमारा, हमारे सौरमंडल का सूर्य। तो हमारे सौरमंडल का जो सूर्य है उसके चारों तरफ ग्रह जो है वो अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं में से एक ग्रह का नाम है पृथ्वी। अभी तक की खोजों के मुताबिक हमारे सौरमंडल में केवल एक ही ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, जिसका नाम है पृथ्वी अर्थ। और पृथ्वी जो है उसको यदि हम अंतरिक्ष से देखें तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखेगी? नीली। इसका रीज़न है कि पृथ्वी के 70% भाग पे पानी पाया जाता है। पानी की वजह से इसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी और सौर परिवार का सदस्य है। सौर परिवार के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई होगी ऐसा मानना है। सौर परिवार की उत्पत्ति जैसे हुई है उसी के साथ इसकी उत्पत्ति हुई होगी। मैंने अभी बताया था आपको कि विभिन्न मत इसके बारे में प्रचलित है। कुछ भी इसके बारे में जो बात कही जाती है वो पूरी तरह से प्रूव के साथ नहीं कही जा सकती। नए सिद्धांत आते हैं तो पुराने सिद्धांत जो है वो फेल हो जाते हैं। ज्वारीय परिकल्पना जो है वो सर्वाधिक मान्य विश्वसनीय परिकल्पना है वर्तमान संदर्भ में। और क्या है ज्वारीय परिकल्पना? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वारीय परिकल्पना एक्चुअल में क्या है। तो ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार एक विशाल तारा जो है वो पृथ्वी के समीप आया तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभर कर बाहर आ गया था। और यह उभार सिरों पर कैसा था? पतला था। और किनारों पर कैसा था? ये मोटा। और बाद में तारा जो है वो तो अपने रास्ते चला गया और सूर्य से बाहर आया भाग जो है वो टूटकर ग्रहों में बंट गया। ग्रहों को क्रम से जमाते हैं तो सिगार जैसी संरचना बनती है। सिगार एक चिलम की तरह की नली होती है जिसमें तंबाकू भर के और फिर उससे चिलम की तरह ही उसको खींचा जाता है। तो ये परिकल्पना जो है वो ज्वारीय परिकल्पना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूँ, इसके अनुसार एक विशाल तारा जो है पृथ्वी के समीप नहीं बल्कि सूर्य के समीप आया। अब देखिए इसको नए सिरे से वापस। ये सर्वाधिक मान्य और विश्वसनीय परिकल्पना है वर्तमान संदर्भ में। तो इसके अनुसार एक विशाल तारा सूर्य के समीप आया तो सूर्य के आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ जो है वो उभर कर बाहर आ गया था। और यह उभार जो है सिरों पर पतला और बीच में से मोटा था। बाद में तारा जो है वो अपने रास्ते चला गया और सूर्य से बाहर आया भाग है वो टूट कर ग्रहों में बंट गया था। ग्रहों को क्रम से जमाते हैं तो सिगार जैसी संरचना बनती है। सिगार मैंने बताया था नशा पैदा करने वाली एक चिलम की तरह की संरचना होती है, इसके अंदर तंबाकू को भर के फिर उसको खींचा जाता है। तो ये जो बात बताई गई है वो ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार बताई गई है। अन्य प्रमाणों के अनुसार पृथ्वी का जन्म जो है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था ऐसा माना जाता है। और पृथ्वी की उम्र जो है ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। जितनी ब्रह्मांड की उम्र है उसका 1/3 भाग जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति की उम्र बताई जाती है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म थी, इसके घूमने की गति भी अत्यधिक तेज थी और फिर ये धीरे धीरे ठंडा होने में इनको करोड़ों वर्ष लग गए। ठंडा होते समय भारी तत्व गहराई में चले गए।
तथा हल्के तत्वों से ऊपर की सतह बन गई और बाकी जो गैसें बच गई थी उससे वायुमंडल जो है वो बन गया था, क्योंकि जीवमंडल में तीन आते हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। और सौरमंडल में व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो सबसे बड़ा पार्थिव ग्रह है। पार्थिव शब्द जो है उसका अर्थ होता है ठोस। तो ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, अधिक व्यास वाला, अधिक द्रव्यमान वाला और अधिक घनत्व वाला ठोस ग्रह है। विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रमाणों से पृथ्वी की जो उम्र है लगभग वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो इसके बाद में हम देखेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी को यदि हम ऊपर से नीचे देखें, इसकी काट को यदि देखा जाए तो ये कैसी दिखाई देती है। ये हमें आंतरिक दृष्टि से तीन परतों में बंटी हुई दिखाई देती है। तो इसकी तीन परतों के नाम क्या है और कौन सी परत किस पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, ये सारा हम जानेंगे। सूर्य से अति प्राचीन काल से ही मानव पृथ्वी की संरचना के विषय में जानने को उत्सुक रहा है। आज भी हम ये उत्सुकता जो है वो बनी हुई है। जब पृथ्वी में बहुत गहराई तक खुदाई करने के साधन नहीं थे, तब ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे को देखकर मानव ने जाना कि पृथ्वी के अंदर की बनावट सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी का लावा का मतलब होता है पृथ्वी का जो मुख होता है ऊपर वाला, वो जो फूटता है तो उसके भीतर से गर्म तप्त पदार्थ निकलता है, वो बाहर आके जब गिरता है तो उसकी खोज करके पता लगाया जाता है कि भीतर किस तरह के पदार्थ होंगे। ये पहले की बात है। आजकल टेक्नोलॉजी है तो खुदाई के साधन भी, इसीलिए पृथ्वी को खोदकर उसके भीतर कम गहराई पर और अधिक गहराई पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं इसका पता लगाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष विधि जैसे भूकंपीय तरंगों का अध्ययन आदि से भी गहराई की जानकारी प्राप्त होती है। हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के भीतर जो संरचना है उसमें कौन कौन से पदार्थ मौजूद है, कम गहराई पर कौन से पदार्थ है, अधिक गहराई पर कौन से पदार्थ है। सूर्य से अलग होने के तुरंत बाद पृथ्वी उबलते हुए द्रव के गोले की तरह रही होंगी, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर बहुत अधिक है तो उसे जो टुकड़ा टूटा हुआ होगा तो वो कितना गर्म हुआ होगा ये आप अंदाज लगा सकते हैं। उतना ही गर्म हुआ होगा जितना सूर्य था। बनने के बाद में बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का अधिकांश भाग तरल ही बना रहा था, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर था उसका। और इसका एक कारण यह रहा कि अंतरिक्ष के पिंड इससे टकराते रहते थे। अंतरिक्ष से पिंड जो है वो इससे लगातार टकराते रहते थे। रीज़न कि ये बहुत तेज़ गति से चक्कर काटते रहती थी। 4.40 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे कि 4.40 अरब वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड के पृथ्वी से, पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के एक पिंड से टकराने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाए। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य क्या है? चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। कैसा? प्राकृतिक, क्योंकि ये पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही था। यह अपने आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार पैदा करता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी पे पड़ता है। पृथ्वी पे चूंकि 70% भाग पे जल पाया जाता है तो जल पे इसके आकर्षण बल का प्रभाव दिखता है, इसीलिए ज्वार की, ज्वार और भाटा जो होते हैं उसकी घटना होती है। ज्वार किसे कहते हैं? पानी के स्तर का ऊपर की ओर बढ़ जाना ज्वार कहलाता है और पानी के स्तर का वापस नीचे की ओर गिर जाना भाटा कहलाता है। ऐसा किस वजह से होता है? चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। पृथ्वी के अपनी धुरी पर ठीक से झुके रहने में मदद करता है। चंद्रमा क्या करता है? अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा एक तो समुद्री ज्वार पैदा करता है और एक अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है, तो इसको सही तरीके से झुके रहने में भी मदद करता है। पृथ्वी के घूर्णन को धीमा भी करता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, सूर्य का पृथ्वी करती है। तो ये जो घूर्णन है वो बना रहे, अपनी लिमिट में रहे, इसके लिए भी ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति मदद करती है। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से क्या क्या फ़ायदे हैं ये प्रश्न पूछे तो आप ये तीनों इसमें बता सकते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने पर बनी चट्टानें कुछ हल्की और कुछ भारी थी। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो चट्टानें बनी और ये चट्टानें कुछ हल्की थी और कुछ थी भारी। भारी चट्टानें गहराई में धंस गई, हल्की, हल्के तत्वों से बनी जो चट्टानें थी वो ऊपर रह गई।
और ऊपर रही इन चट्टानों से ही पृथ्वी की सतह बनी है। पृथ्वी की जो सतह है वो ऊपर रहने वाली चट्टानों से निर्मित हुई है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में है। जिस तरह से प्याज को हम छिलते हैं तो प्याज के अलग अलग छिलके होते कि नहीं होते हैं, एक के बाद एक परत को उतारते चले जाइए, उसी तरह से पृथ्वी भी एक परतदार संरचना है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी लगभग 3900 किलोमीटर होने का अनुमान है। पूरी पृथ्वी को हम गोलाकार यदि मान लें तो फिर हम उसकी सतह से केंद्र की ओर अगर बढ़ेंगे तो 3900 मीटर पे जब जाएंगे तो सेंटर मिलेगा हमें। पृथ्वी एक गोलाकार बोल मान लेते हैं हम, और फिर हम उसकी सतह से जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ से हम उसके केंद्र की ओर जाना चाहें, उसके सेंटर की ओर जाना चाहें तो 3900 किलोमीटर चलेंगे तो उसका सेंटर आएगा। पृथ्वी में अभी तक 15 किलोमीटर से अधिक गहराई का छिद्र करना संभव नहीं हुआ है। कितने किलोमीटर का मैक्सिमम छिद्र जो है वो सतह से केंद्र की ओर जाने के प्रयास में किया गया है? 15 किलोमीटर का, उससे आगे पॉसिबल ही नहीं हुआ है। पृथ्वी को मोटे तौर पर तीन प्रकार की परतों से बना माना जाता है। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी को मोटे तौर पर कितनी परतों में डिवाइड माना जाता है? तीन परतों में। और इन तीन परतों का जो वर्गीकरण किया गया है, इनका जो सीमांकन किया गया है वो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर किया गया है या फिर यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह या ऊपरी परत जो है वो भूपरपटी कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपरपटी। और ये एक ठोस परत है। कैसी परत है ये? एक ठोस परत। इसे पृथ्वी की त्वचा माना जा सकता है। सबसे ऊपरी परत भूपरपटी कहलाती है, इसको हम पृथ्वी की त्वचा मान सकते हैं। इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। किसी जगह पर अधिक मोटी है ये, किसी स्थान पर ये कम मोटी है। इस अंतर के कारण ही कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर समुद्र बने हुए हैं। भूतल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जलमंडल दूसरा स्थल मंडल। जहाँ पे जलीय भाग है, जल है, वो जलमंडल हो गया, और जहाँ पे स्थल है वो स्थलीय भाग हो गया। तो 70-30 का अनुपात है इसमें। 70% भाग पे क्या है? जल। 30% भाग पे क्या है? स्थल। वायुमंडल भी स्थल मंडल का भाग है। स्थल मंडल का अधिकांश भाग मृदा से बना होता है। स्थल मंडल का जो मैक्सिमम भाग है वो किससे बना होता है? वो बना होता है मृदा से। मृदा यानी मिट्टी। और मृदा किससे बनती है? मृदा जनन के माध्यम से। बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है वो हवा के माध्यम से या फिर प्रकाश के माध्यम से, तापमान के माध्यम से टूटती रहती है और फिर वो लाखों करोड़ों वर्षों बाद में मृदा में तब्दील हो जाती है। जल थल व वायुमंडल का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसको जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल में जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों आते हैं। तो इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह पर जीवमंडल अभी तक नहीं पाया गया है। पृथ्वी पे ही जीवमंडल पाया जाता है, बाकी ग्रहों पे जीवमंडल नहीं पाया जाता। और जीवमंडल की वजह से ही यहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी की भूपरपटी की संरचना प्रारंभ से ही ऐसी नहीं रही है। भूपरपटी की संरचना जैसी आज दिख रही है वैसी पहले नहीं थी। ये जो भूपरपटी की संरचना है वो बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है, क्योंकि जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती है वो भी बदलती रहती है। वर्तमान में भूपरपटी का लगभग 70% भाग जल से ढका है। वर्तमान में भूपरपटी का 70% भाग किससे ढका है? जल से। और यह सामान्यतः समतल रहता है। समुद्रों को जब हम देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? वो फ्लैट दिखता है, एकदम समतल दिखता है। तो वो बहुत अधिक किलोमीटर में फैले होने के बावजूद भी हमें उसका ऊपरी जो सतह है वो कैसी दिखेगी? फ्लैट, समतल। शेष लगभग 30% भाग क्या है? स्थल है। स्थल को भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, कहीं पे मैदान है तो कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मरुस्थल है तो कहीं पे घाटियाँ हैं। पृथ्वी के बनने के प्रारंभ में कुछ लाख वर्ष तक हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें तीन जो इसके भाग है वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। भूपटल सबसे ऊपर वाला जिसको त्वचा भी बोलते हैं, इसके बाद में मेंटल, इसके बाद में क्रोड। तो इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसके तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो है भूपरपटी, और भूपरपटी ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है।
जल और स्थल मंडल इसमें होते हैं। भूतल या भूप्रपटि को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जल मंडल और स्थल मंडल में। और इसमें ये भाग जो है वो मृदा से बना है और एक समान नहीं होता है। किसी जगह पे पर्वत है तो कहीं पे घाटियाँ बनी हुई है, और ये एक समान नहीं होने का रीज़न यही है कि ये तेज़ी से पहले घूम रही थी, उसके बाद में ये ठोस हुई है। तो जहाँ पे सघनता वाले पदार्थ ज़्यादा आ गए तो वो मोटी हो गई, और कम सघनता वाले पदार्थ आए तो वो वहाँ से पतली हो गई। और भूप्रपटी जो है वो पतली इकाई के रूप में थी पहले, ठंडी होने के साथ ही ये विशाल चट्टान खंडों में बदल गई, और जिससे विवर्तनिक प्लेटें बनी हैं। और टोटल जो विवर्तनिक प्लेटें हैं उनकी संख्या कितनी है, 29। ये जो महाद्वीप है वो इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों पे उपस्थित है, पाए जाते हैं। दूसरी जो परत है उसका नाम है मेंटल। यह सबसे मोटी परत है, गर्म पिघली चट्टानों से ये बनी है। इनको सिलिकेट चट्टानें बोलते हैं, और इन सिलिकेट चट्टानों में आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो अधिक होती है। इसमें उबलते हुए द्रव की तरह बुलबुले उठते रहते हैं, और यह पृथ्वी के मध्य भाग पर ऊपर नीचे भी होती रहती है। किस भाग की बात कर रहे हैं हम, मेंटल जो बीच वाला भाग है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसकी खास बात होती है कि इसमें उबलते हुए द्रव की तरह के बुलबुले जो है उठते रहते हैं, ये इसकी विशेषता है। तीसरा जो भाग है उसका नाम है क्रोड। ये केंद्रीय भाग है और ये सर्वाधिक गर्म भाग है। तापमान इसका लगभग जो है वो 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी बनने के दौरान अंदर ऊष्मा रह गई थी, जिसकी वजह से इस ये जो है वो इतना गर्म है। क्रोड इतना गर्म क्यों है ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप कि पृथ्वी जिस समय बनी थी उस दौरान इसमें ऊष्मा रह गई थी, और उसी ऊष्मा की वजह से ये जो भाग जो है इतना गर्म है। क्रोड के दो भाग हैं, एक आंतरिक क्रोड कहलाता है और एक बाह्य क्रोड कहलाता है। आंतरिक क्रोड ठोस है, शुद्ध लोहे का बना इसको माना जाता है। सोना और प्लेटिनम धातुएं जो है वो उसमें पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। बाह्य क्रोड तरल है, इसकी तुलना में ये ठोस है और ये तरल है, ये दोनों में अंतर हो गया। और लोहा और निकिल इसमें पाया जाता है, लोहा और निकिल दोनों क्या है, धातुएं। तो ये इसकी खास विशेषता है। इसके बाद में क्रोड जो है वो स्थिर नहीं है, पृथ्वी से भी तेज़ गति से ये चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी की जो रफ्तार होती है, चलने की जो गति होती है, उससे भी तेज़ गति से क्रोड घूमता रहता है। तो क्रोड स्थिर नहीं है, ये क्रोड की खास विशेषता है। इसके बाद में देखिए, क्रोड पृथ्वी का सबसे सघन भाग है, पृथ्वी से भी ज़्यादा सघन, पृथ्वी के भूप्रपटी जो भाग है उससे भी ज़्यादा सघन है ये। क्रोड भी पृथ्वी का ही भाग है, तो पृथ्वी के पहले सबसे ऊपरी आवरण जिसको हम बोलते हैं, जिसको भूप्रपटी कहते हैं, वो सघन होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सघन भाग कौन सा होता है, क्रोड। तो सर्वाधिक सघन भाग का नाम क्या है, क्रोड। पृथ्वी की संरचना उल्काओं के समान है, और इसीलिए पृथ्वी को एक बड़ी उल्का भी कहा जा सकता है। उल्काएं क्या होती है, सितंबर अगस्त माह में आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की ओर गिरते रहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं तारे टूटते हैं। तारे कभी टूटते नहीं, क्योंकि तारे अगर टूटते तो सूर्य भी एक तारा है, कब का टूट के चला जाता और हम अंधेरे में हो जाते हैं। तो तारे कभी नहीं टूटते हैं, जो टूटती है वो उल्काएँ होती है। और जो बर्न हो जाती है वायुमंडल में वो छोटी उल्काएँ होती है, और जो बड़े पिंड होते हैं वो पृथ्वी पे आ भी जाते हैं, कभी कभी पृथ्वी की सतह भूप्रपटी के अंदर धंस जाते हैं आके, उनको बोलते हैं उल्कास्म, या उसको कहते हैं उल्का।